और उनके साथ साथ मैं जो मॉडरेट करेंगे इस सेशन को मिस सौम्या टंडन, देखिए आप उनको उनकी एक झलक पाते ही समझ जाएंगे कि उनकी शख्सियत क्या है। तो पहले हमारे मॉडरेटर्स को मैं मंच पर आने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। सौम्या जी एक्टर हैं और कमाल की एक्टर हैं, जिस किरदार में वो हाथ डालती हैं उसे इस तरह से अपनाती हैं कि देखने वाला उससे रिलेट कर पाता है। और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे मेहमान को जो इस सेशन के लिए मंच पर आएंगे, महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़, जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमान का स्वागत कीजिए। लक्ष्यराज सिंह जी इज द डिसेंडेंट ऑफ द 1500 ईयर्स ओल्ड हाउस ऑफ मेवाड़ इन उदयपुर। ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम स्क्रैच एंड लेटर रिटर्न टू उदयपुर एंड जॉइंड हिज फैमिली बिजनेस। ही इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ HRH ग्रुप ऑफ होटल्स उदयपुर। लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ हैज बीन positively impacting many lives and helping many other. Over to you, Amish. Soumya, thank you so much. Misha, thank you so much. Sir, aapka abhinandan hai aapke apne hi hotel mein, aapke apne hi palace mein. To mere sath maujood hai Dr. Lakshyaraj Singh Mewar. Zordar taaliyan inke liye, inke vansh ke liye, kyunki ye aate hain Maharana Pratap ke vansh se, ye aate hain Rana Sanga ke vansh se, उस वंश से जिसने भारतीय संस्कृति की आन बान और शान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करी। तो जोरदार तालियां इस वंश के लिए। सर वेलकम। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि थैंक यू फॉर हैविंग मी, और आपके बारे में बहुत सुना है एंड इट इज रियली रियली अ प्लेजर टू नाउ मीट यू पर्सनली, और आपसे गुफ्तगू करने में बहुत मजा आएगा। And I'm looking forward. Yeah, and sir, तो शुरुआत करते हैं कि आप जिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं उसके साथ जिम्मेदारियां भी बहुत आती हैं। कल्चर हेरिटेज कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप इसको अपने नजरिए से देखते हैं, अपने परिवार के नजरिए से देखते हैं। Your take. सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम, और खास तौर पे आपको कि आज आपने हम लोगों को लायक समझा। और सबसे पहली बात तो ये कि सोच को आपने एक मंच दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब अपन हेरिटेज कल्चर और टूरिज्म की बात करते हैं, और उसको मैं इसी सभाकार से सबके सामने जो है वो उजागर करने का एक छोटा सा प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मुझे ऐसा महसूस होगा कि जो अक्सर मेरे बड़े भाई भी यहाँ बैठे हैं वो अपने आप में एक शब्दकोश हैं, तो अगर आज मेरी जबान अगर थोड़ी सी लड़खड़ाए, क्योंकि अक्सर जो सोच होती है वो उन्हीं की होती है, जरिया मैं होता हूं, पर अकड़ जो है वो मुर्दा लोगों में होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। आज जब मैं इस बात को कहूं तो मुझे ये महसूस कराइएगा कि हम लोग सब एक दूसरे के सामने जो बैठे हैं बड़े विनम्रतापूर्वक बैठे हैं, और जो सोच मैं आपके साथ साझा करूंगा कहीं ना कहीं वो अपने जहन में, मन में, दिल में उस सोच को उजागर जरूर करेगी। ये सभाकार वो सभाकार है सर जो हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई गई थी। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ एक्सेशन दैट वाज साइंड इन दिस वेरी हॉल। जब जाकर जो है वो एक आजाद भारत बना, और हमको बड़ी खुशी होती है कि हम लोग उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने वो पहले चंद कदम उठाए इस खूबसूरत देश भारत को बनाने के लिए। तो वो गर्व जो है हम लोग, आई थिंक पहला कदम आप ही ने उठाया था जी, जब मैंने जो मेरे को ध्यान में कुछ आता है वो कुछ ऐसा ही है। और आज आप देखिए कि उसके बाद में देश के अंदर कुछ अच्छे काम भी जो हुए, कलाम साहब की जो न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंसेस थी वो भी इसी सभाकार के अंदर हुई, G20 की जो सबमिट हुई इस देश को नई दुनिया को साथ में लेकर आगे बढ़ने की पहला कदम जब देश ने आगे बढ़ाया तो वो भी इसी सभाकार से बनाया। और उसी सोच के साथ में जो है आज न्यूज 18 और जो है आज अपनी कॉन्फ्रेंस भी इसी सभाकार के अंदर करता है, उसके अंदर भी मुझे उतनी ही खुशी होती है। मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपकी जो इतनी खूबसूरत लेगेसी है, एंड वी आर ऑल प्राउड टू हैव यू एंड स्पीक टू यू टुडे, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में और आज के वक्त में आप रॉयल्टी की क्या रोल आप बताएंगे? मैम देखिए, इसके अंदर
ये एक टाइप कास्ट करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब लोगों ने जहनी तौर के ऊपर अपने खुद के जो हैं वो ख्याल बना लिए। लोग जो थे अक्सर पहले जो हैं वो सब एक साथ चलते थे, मेवाड़ हमेशा से सबको साथ में लेकर चला है। इसका इससे बढ़िया उदाहरण हमारे सामने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता, महाराणा सांगा से बड़ा हमारे पास में कोई इसका उदाहरण हो नहीं सकता। अगर आज की तारीख में अगर हम असली पर्यायवाची ढूंढने जाएंगे तो अगर आप शब्दकोश में ढूंढेंगे तो वो मेवाड़ ही आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा। लोगों ने अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखने की कोशिश करी, आज अन्य चीजों ने इस सोच को अलग तरीके से दर्शाने का एक प्रयास किया है। पर समय जो है वो एक ऐसी चीज है जो हम सबको पता है कि कभी ठहरता नहीं है, चलता रहता है। उसके हिसाब से हम लोगों को भी बदलना जो है वो जरूरी है। आज हम लोगों ने हमारी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ा जी। जब दादाश्री उस दौर में थे और जब ये सोच और ये जो विषय जब उनके सामने आया तो उन्होंने कहा कि एक तरफ पे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती कि हम लोग एक देश के अंदर मिलने के लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से हमको इस चीज पे विचार करना है कि हम हमारे जिम्मेदारियों का आने वाले समय के अंदर निर्वाह कैसे करेंगे। तो आज जितनी भी शिक्षा की जो संस्थाएं थी वो आज भी वैसी की वैसी चल रही हैं। जो आज लोगों को मदद करने का जो एक कार्य है, चाहे हमारे सेना के अंदर जो जवान लड़ते हैं, आज हमारे जो लोग वॉर विडोज जो हो जाती हैं उनको एक सहायता करने की जो एक आवश्यकता होती है, शिक्षा के अंदर बच्चों को पढ़ाने की जो एक बच्चियों को पढ़ाने की जो है वो एक ज़रूरत होती है, वो आज भी उसी तरीके से जो है पूरी करी जा रही है। इस सोच के साथ में एक उदाहरण ज़रूर मैं यहाँ पे साझा करना चाहूँगा और बांटना चाहूँगा। हम लोगों को अक्सर इस सोच के साथ में कहा गया है कि हम लोगों ने बच्चियों को या लड़कियों को आगे आने नहीं दिया और पढ़ने नहीं दिया। ये एक आलोचना जो है काफी लोगों ने करी। इल्जाम लगातार लगता है। ये इल्जाम जो है सर ये काफी काफी लोगों ने लगाया उन उस और व्हाट इज द रियलिटी अबाउट दैट एग्जैक्टली। तो और खास तौर के ऊपर जो है आलोचना करने वालों के कभी स्मारक इस वजह से शायद बने भी नहीं है। और जो मैं इस बात के ऊपर कहना चाहता हूँ, खुशी की बात यह है और ठोस सबूत जो हमारे को आज हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, और वो ये है कि आज हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, वो बहुत सख्त आवश्यकता है उस चीज़ की। मेवाड़ ने बच्चियों को 25 साल पहले पढ़ाना चालू नहीं किया, 50 साल पहले पढ़ाना चालू नहीं किया, 100 साल पहले पढ़ाना चालू नहीं किया, पूरे 150 साल पहले 1864 के अंदर The first girl child education school was opened not too far outside the palace gates, which is still existent today. Really? Wow. 1864 के अंदर शंभू बालिका पाठशाला के नाम से वो संस्था चलती है, आज भी चलती है, और तब भी वो केवल बच्चियों के लिए ही बनाई गई थी। ये कितना बड़ा फैक्ट है सौम्या कि किसी चीज को एजेंडा प्रोपेगेंडा ऐसा बना दिया जाता है कि वो पब्लिक तक रियलिटी नहीं पहुंच पाती। इसलिए मुझे लगता है कि रियलिटी पहुंचनी चाहिए, चाहे वो रॉयल्टी क्यों ना हो और चाहे वो डेमोक्रेसी की बात हो। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हम देखते हैं कि कई बार खास ओकेजन होती है तो आप लोग कुछ खास तरह के कपड़े डालते हैं, तो डू यू थिंक आज के जनरेशन में उसका रेलिवेंस है और डू यू थिंक कि उसका उतना रेलिवेंस नहीं रहा? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बड़ा खूबसूरत सवाल है सर। देखिए वेशभूषा जो है वो एक मिट्टी की पहचान है। आज हम लोगों ने जो है वो एक संस्कृति परिवर्तन के दौर में या जद्दोजहद के अंदर हम लोग एक गुजर रहे हैं। आज हम लोग भी जो है वो उस दिशा में भाग रहे हैं जहां सूरज भी जाकर अस्त हो जाता है। हम लोग उस शिक्षा के साथ में नहीं रहना चाहते जहां सूर्य भी उदय होता है। तो आज जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है और चंद लोग जो इस काम को करते जा रहे हैं या इस संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं वो जो है अलग थलग खड़े हो जाते हैं और अलग दिखने लग जाते हैं। पर अगर आज मैं आपसे सवाल पूछूं कि सर 70 साल पहले या 50 साल पहले या आज भी अगर आप गांव में चले जाएंगे तो आपको लोग कैसे देखने को मिलेंगे, किस लिबास में आपको देखने को मिलेंगे? वो आज भी अपनी धोती और कुर्ता पहन के रहते हैं, वो आज भी अपनी पगड़ी लगा कर रहते हैं, और हम लोग इस मॉडर्न बनने के चक्कर के अंदर जो है वो हम लोग आगे चले जाते हैं। जो यंग रॉयल किड्स हैं, मतलब आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, दे आर वेरी ओके विद दिस, क्योंकि दे आर इंस्टाग्राम जनरेशन, जेन जी जनरेशन, दे आर ओके विद इट? सर ये आपने एक बहुत ही खूबसूरत शब्द उठाया जनरेशन। इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर मेरे को जो है शामिल होने का मुझे मौका मिला और मेरा सब्जेक्ट वर्ड ही जनरेशन था, और मैंने एक ही शब्द उसके ऊपर कहा कि मैंने कहा कि ये वर्ड मैं जनरेशन के तौर पे नहीं देखता हूँ, मैं इसको जेनरेसिज्म के तौर के ऊपर देखता हूँ, क्योंकि हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, उम्र के तौर के ऊपर लोगों को खांचों में बांट रहे हैं। आज की तारीख में एक 8 साल का व्यक्ति उतना ही रेलेवेंट है जितना एक 80 साल का व्यक्ति है। हम लोग इन चीजों को अलग अलग नहीं कर सकते।
तो आज हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील डालना चाहते हैं, पोस्ट डालना चाहते हैं, हम बेशक हमको डालनी चाहिए और बिल्कुल डालनी चाहिए, पर इस संस्कृति और कला की जो जिम्मेदारी है वो केवल एक किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, वो हर एक भारत के नागरिक की है कि जिस जगह से वो है। भाषा के साथ में भी यही है, मेरे बड़े भाई ने इस बात को हर मंच से कही है जो मैं आज आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। आज हमको अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं जो है वो बोलनी चाहिए, चाहे लिबास हो, भाषा हो, ये सारी चीजें एक जैसी हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। आज अंग्रेजी भाषा के अंदर हम बात करते हैं, करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी भाषा है जो आज की तारीख में हमारे को दूसरी देश और दुनिया से जो है वो जोड़ती है। पर क्या वो इस कीमत के ऊपर आनी चाहिए कि हम हमारी भाषा को छोड़ दें, हम हमारी भाषा को बात करना बंद कर दें? हमारी गर्लफ्रेंड जो है इंग्लिश को ज्यादा बेहतर समझती है तो और कूल समझती है तो हम उसके अंदर बात करेंगे? तब एक बात बहुत खूबसूरत जो हमारी संस्कृति हमारे को उदाहरण के ऊपर देती है वो यह है कि अंग्रेजी जो है वो ए फॉर एप्पल पर शुरू होती है और जेड फॉर जीरो पर जाकर खत्म हो जाती है, हिंदी जो है अ से अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञ पर ज्ञानी पर जाकर खत्म होती है। आपने एक बात कही और उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जहाँ ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वहाँ लोकल उतना ही एग्जॉटिक हो जाता है। अगर आज हमारे देश में कोई दूसरे देश से आता है तो वो इंटरनेशनल ब्रांडेड कपड़ों की शॉपिंग या इंटरनेशनल चीज़ें नहीं देखने जाएगा, वो हमारे देश का कल्चर, हमारे मिट्टी की खुशबू, हमारे खाने का स्वाद, जायका और हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री को देखेगा। तो अगर हमने वो प्रिजर्व नहीं किया तो हम लुप्त हो जाएंगे, हम गुम हो जाएंगे, हमारी पहचान चली जाएगी। जी जी। और आपने एक और बात, चूंकि आपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की कही, तो मैं देखती हूँ आपको इंस्टाग्राम के पेज को बहुत ही बढ़िया पेज है आपका। एक ऐसा परसेप्शन और हमेशा ऐसा होता आया है कि रॉयल्स हमेशा बहुत प्राइवेट रहे हैं, लेकिन शायद ये एक बदलाव है कि आज आप खुलकर अपनी बात कहते हैं और उतने उस तरह से कनेक्ट करते हैं जहां हम आपको सिर्फ एक ओहदे पे नहीं देखते हैं बट वी सी यू एज अ नॉर्मल ह्यूमन। सो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ज़रूर मैम, इसमें देखिए कोई शक की बात नहीं है कि ये एक माध्यम ऐसा है जो एक दो तरफा बातचीत को बढ़ावा देता है। पहले इतने सालों से जो है केवल एक तरफा बातचीत होती थी, जो लोगों ने ख्याल बना लिया, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, सीरियल्स के माध्यम से हो या अन्य कोई दूसरा कोई माध्यम हो, वो एक तरफा माध्यम था। अब जो है इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की वजह से आज हम लोग भी एक हमारी बात को जो है सामने रख सकते हैं। और जहाँ तक रहा सवाल प्राइवेट बनने का, वो आपके हाथ में है। आप क्या चीज़ ऐसी है जो देश दुनिया के साथ में साझा करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, और एक कौन सी चीज़ है जो आप अपने दिल में, अपने घर में जो है वो रखना चाहते हैं, तो वो आज आपके पास में वो चॉइस है, आपके पास में यू कैन मेक दैट चॉइस कि दिस इज़ व्हाट आई विश टू डू। बट इट इज़ ग्रेट दैट अगर आज की तारीख में किसी ने कोई बात कही है या किसी ने कोई कोई सोच सामने रखी है जिसके ऊपर मेरी भी कोई एक टिप्पणी हो सकती है, उसको सलीके से जो है वो रखने का मतलब अब मेरे पास में भी एक जरिया है और वो मैं उसको कह सकता हूँ, और एक बहुत मजबूत और एक बहुत ठोस जो है वो जरिया है जिसको लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को दुरुस्त करने का भी मौका है। और अब मैं देख रहा था अभी आप, क्योंकि रील्स की बात हुई, आपका एक मैं रील देख रहा था, आप बस चला के चले गए कहीं पर। तो सर मेरे को ये बताइए ना, उसमें आश्चर्य की क्या बात है? नहीं आश्चर्य नहीं, पर बस चला, आपने बस चला ली, अब राजा प्रिंस बस चलाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? नहीं देखिए सर, जो साहब जो पहले भी विराजमान थे उन्होंने भी जो बात कही, देखिए सबको साथ लेके चलने में जो आनंद है ना, जो गाते हंसते जाने में जो वो एक आनंद है जो उसका किसी और दूसरी चीज में नहीं है सर। और सब लोग साथ में हो जाते हैं तो चुटकुले, खाना, मिलना, बांटना, बैठना, चर्चा करना, वो एक घंटे का सफर कैसे निकल जाता है वो पता ही नहीं पड़ता। और जब ऐसे शुभ काम के लिए जाते हैं, अच्छी चीजों के लिए जाते हैं, ये पुराने लोग जब साथ में जब करते थे काम तो सब साथ में ही करते थे, सब साथ में ही निकलते थे, तो आज क्यों ना उस सोच को जो है हम लोग साथ में करके रखें। तो वो एक छोटा सा प्रयास था, लोगों ने उसको खूब सराहा, बड़ा अच्छा लगा। एक सौम्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये रील्स तो बनाते हैं, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाते हैं जी। अब ये तो मुझे आपसे जानना पड़ेगा क्या है ये? अब इन्होंने अपने बर्थडे में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? देखिए सर, ये मैं कोई नया काम या अनोखा काम नहीं है। देखिए जो काम मेवाड़ 1500 साल से करता हुआ आया है, जो मेरे पुरखे हजारों सालों से करते हुए आए हैं, उसको आज हम लोग एक गिनीस रिकॉर्ड के जरिए में देखते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज मेरे नाम पे 7 गिनीस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। और
जो 7 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, आप कह रहे हैं कि आप सामान्य तौर पर ऐसे काम करते रहते हैं या फिर आपका परिवार सामान्य तौर पर ऐसा काम करता रहता है, गिनीज बुक का की नजर पड़ गई तो रिकॉर्ड बन गया? नहीं, देखिए अगर मैं सच कहूं तो जब अक्सर जो है किताबों को जो है हमने चेहरे पे सोने के लिए ही ज्यादा इस्तेमाल किया है, और एक ही किताब जो हम लोगों ने अक्सर पढ़ी थी वो गिनीज की रिकॉर्ड होती थी, और वो भी जब हमारे को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था और बोलता था तुम लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाओ। आपको भी लोग क्लास से बाहर निकाल देते थे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से कान पकड़ के, बस बशर्त इतना सा था कि घर वालों को पता नहीं पड़ना चाहिए, जो बात है वो मास्टर और हमारे बीच में रहनी चाहिए। तो ये बड़ी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग थी। तो अब आई जस्ट होप कि ये मेरे पिताश्री और माताश्री दोनों जो है वो ये वाला पर्टिकुलर एपिसोड ना देखे, वो बेहतर होगा मेरे लिए। पर तो ये सर चिंता मत करिए, आपके दोस्त पहुंचा देंगे, ये शैलेश रोधा बैठे हैं, ये रिकॉर्ड कर रहे थे अभी। तो फिर संभालना भी इन्हीं को ही है। तो इसमें सर इसमें बड़ी खुशी की बात थी कि ये सारी चीजें हुई, बट खुशी की बात मेरे को इसकी ज्यादा थी कि ये जो 7 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बने वो समाज सेवा में बने, और किसी और ने नहीं, एक भारतीय ने बनाया सर, उसके ऊपर सबसे ज्यादा गर्व। नहीं दैट, ये तो बहुत काबिले तारीफ बात है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? योर ग्रुप इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर शुरुआत बड़े सीधे सीधे तौर के ऊपर दादाश्री ने करी, और ये शुरुआत ऐसे हुई कि जब देश आजाद हुआ फिर हम लोग भी काम ढूंढने लगे कि अब हमको करना क्या है और इस जगहों को धरोहरों को जो है वो बचाना कैसे है। तो फिर दादाश्री ने जो है वो एक रेवोल्यूशनरी सोच के ऊपर काम किया, और उन्होंने कहा कि अपन होटल्स के ऊपर काम करेंगे। तब लोगों की क्या आलोचना आई कि अब राजे महाराजे जो है वो झूठे बर्तन धोएंगे, इस चीज से शुरुआत हुई थी। और आज मैं मतलब लोगों की बड़ी क्रिटिकल अप्रोच होगी, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि। और जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो आपके एजुकेशन के बाद जो आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिया रियल वर्ल्ड में, तो उस वक्त आप यू वर सर्विंग टेबल्स जी, प्लीज जी। आप बताएं उसके बारे में। जरूर, पर मैं इस पहली सोच को एक बार मैं इसको पूरा करना चाहूंगा। वो ये है कि सोच जब शुरू हुई सर, तब इस सोच से शुरू हुई, और उस सोच ने जो है कि अब झूठे बर्तन दोनों की जो सोच थी वहां से जो है उसके अंदर से जन्म हुआ लेक पैलेस होटल का 1962 के अंदर। तो जब लोगों ने ये आलोचनाएं करी तब लेक पैलेस का जन्म हुआ। फिर दादाश्री ने उस सोच को और आगे बढ़ाया, पिताश्री ने उस सोच को और आगे बढ़ाया। धीरे धीरे हम लोगों ने भी उसके अंदर सहयोग करना जो है चालू किया। दादाश्री ने पिताश्री को विदेश भेजा सीखने के लिए कि जब तक सीखेंगे नहीं, हाथ मैले नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगा तो कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। उसी नक्शे कदम पे चलकर मुझे आगे भेजा। आज मैं इस बात को गर्व से कहता हूं कि हमारी संस्थान को 20 साल हो गए सर कि वी आर विनिंग द नेशनल हेरिटेज अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 20 ईयर्स इन अ रो टुडे। तो कई बार क्या है कि जो आलोचनाएं हैं, चीजें हैं, वो लोगों को जो है वो और मजबूत करती हैं, ठोस करती हैं आगे बढ़ने के लिए। और आज हम लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं, इस चीज की चर्चा कर रहे हैं, और लोग आज की तारीख में इसी व्यवसाय को करना चाहते हैं, इसको एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं, और एक लोगों का जो एक सोच और देखने का जो नजरिया है वो पिछले 2-3 दशक के अंदर जो है जो बदला है वो अपने सबके सामने है। और जहां तक रहा सवाल मैम सर्व करने का टेबल्स का, वो हम घर पे भी करते हैं। आज कौन सा भारतीय है जो घर पे नहीं करता? और मेरे को ये नहीं समझ में आता कि क्यों हम इस चीज को एक ऐसा मेडल पहन कर घूमें। ये हर हर भारतीय का एक कर्तव्य बनता है। घर में मेहमान आता है या घर पे तो हम अपने लोगों के लिए करते हैं, आपके कोई मेहमान आते हैं उनके लिए करते हैं। सर डबल स्टैंडर्ड्स होने ही नहीं चाहिए। तो जब आदमी, यही मेरा मैं कहना ये चाहता था, जबकि आदमी घर पे कर सकता है तो बाहर भी कर सकता है। इसमें कोई अगर मैं किसी को उठाकर जल पिला देता हूँ या किसी की प्लेट उठा लेता हूँ या किसी का कमरा साफ कर देता हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें हर्ज क्या है। और जब मैं बाहर भी जाता हूँ, किसी और के यहाँ पे भी होता हूँ, अगर ये काम मैं वहाँ पर भी कर दूंगा तो उसमें क्या होता है? ये मेरी संस्कृति है जो मैं मेरे साथ ले जा रहा हूँ। मेरे घर वालों ने किया, पुरखों ने, पीढ़ियों ने जो है, जब हमारे पुरखे जो है जंगलों में जाकर रह सकते थे तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूँ। मैं आपकी छोटी सी तारीफ करना चाहूंगी अमीश जी, कि कई बार हम जो रिस्पेक्ट होती है हम वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आपकी ऐसी लेगेसी है, आपकी लीनियज है। लेकिन आज आपने दो इतनी खूबसूरत बातें कहीं, विनम्रता के बारे में और डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में, इसीलिए आज मैं दिल से कह रही हूँ कि आई फील लाइक रिस्पेक्टिंग यू। थैंक यू सो मच। आपने बोला कि आप आलोचना को सीढ़ी बना लेते हैं, तो कई सवाल भी हैं। आस्था हमारी कलीग एक सवाल पूछना चाहती है। सर
सबसे पहले तो मेरा बहुत नमस्कार। आपको भी प्रणाम, नमस्कार। आज हम परंपराओं की बात कर रहे हैं, हेरिटेज को संभालने की बात कर रहे हैं। हमने लिबास पर बात की, भाषा पर बात की, परंपराओं पर बात की, तो मैंने सोचा रॉयल क्यूजीन को भी क्यों छोड़ा जाए। बिल्कुल, वो भी हेरिटेज है। कुछ खास ऐसा जो आपके फोर फादर की किचन में भी बनता था और आज भी आप उसको जीवित रखे हुए हैं? मैम, ऐसी कोई अगर अपन बात करें अलग से तो ऐसी कोई चीज नहीं है, पर आज हम लोगों ने उन चीजों को खाना छोड़ दिया। आज जैसे हमारे दाल बाटी होती है या ढोकला होता है, जो यहाँ की जो लोकल चीज़ें और प्रेपरेशंस जो हम लोगों को लोकल लैंड से जो मिलती हैं, हमारे यहाँ पे पानी शुरू से जो है ये एक मानव द्वारा बसाया गया शहर है, तो आज हमारे पास में पानी की जो है वो बहुत सारी उपलब्धि है। तो उस समय पे चावल भी बहुत हुआ करता था आज, और उस समय पे जो है अन्य दूसरी चीज़ें हमारे को आजू बाजू पहाड़ियों की वजह से हमको और भी चीज़ें जो है दूसरी मुहैया हुआ करती थी। उन चीज़ों से हम लोग अलग हटने लग गए। आज हम लोग इन चीजों के बारे में बात करने लगे कि बाहर से क्या मंगाया जा सकता है, एग्जॉटिक क्या मंगाया जा सकता है, पर आज हम लोग जो है इस चीज के ऊपर नहीं काम करना चाहते। पर आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी, इसी बात को कहते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम लोग जो है पिछले कुछ समय से हम लोगों ने दाल बाटी को पुनः सब लोगों के लिए वापस जो है वो जीवित किया है। उन्हीं कलाकारों को गांव से वापस बुलाया है जो इसके ऊपर काम करें, और हम चाहते हैं कि लोग मेवाड़ की दाल बाटी को आकर चखें, क्योंकि हर जगह की एक अपनी एक स्वाद होती है, एक अपना जो है एक खुशबू होती है। और हम लोगों ने यही पुनः प्रयास किया कि जो पुराने लोग हैं वो वापस आएं और पुरानी पीढ़ियों का जो कला है, काम है, उसको पुनः जिंदा रखें। एक और छोटा सा मेरा सवाल, पहले तो क्या होता था, युद्ध लड़ने होते थे, तो युद्ध कला, युद्ध कौशल, उसकी ट्रेनिंग बच्चों की शायद रॉयल किड्स की शुरू से रही होगी, तो आज भी ये भी एक हेरिटेज है इस तरह की कलाएं, तो क्या ये केवल स्पोर्ट्स के रूप में जिंदा है आज रॉयल फैमिलीज में, या आज आप उसको प्रैक्टिस करते हैं या रॉयल किड्स प्रैक्टिस करते हैं? आज की तारीख में ऊपर देखिए, समय के हिसाब से चीज़ों के ऊपर परिवर्तन जरूर आया है। स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का बहुत सारा रुझान जो है वो हुआ है। आज के मैंने सुना पहले भी कि पोलो के ऊपर जो है वो चर्चाएं हुई, तो आज की तारीख में वो जो स्पोर्ट्स के माध्यम से जो चीज़ें हैं, वो कलाएं भी जो है वो स्पोर्ट्स के सिलसिले से जो है वो आज की तारीख में जो है वो जिंदा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आप देख ही रहे हैं, ही स्पीक्स फ्रॉम द हार्ट, और लक्षराज सिंह मेवाड़ ने बता दिया है कि रॉयल्टी जो है वो अनटचेबल नहीं है। वो बिल्कुल जैसा आपने कहा सौम्या, कि वो आम आदमी की तरह है, और वो मैं चूंकि उनके बहुत करीबी हूँ, वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो आई नो कि वो कितने सामान्य हैं, कितने विनम्र हैं, और किस तरह से जनता के बीच में रह के जनता के व्यक्ति की तरह बात करते हैं। अब इनसे ये पूछा जाए, क्या इनका राजनीति में जाने का इरादा तो नहीं है? आप बताइए। तो मैं भी सुनी रहा हूँ ये सारी बातें। ऐसा मुझे भी मालूम पड़ा है कि मेरे बारे में ये चर्चाएं हो रही हैं। तो व्हाट इज इट, एक नेक्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि वी हैव सीन रॉयल फैमिली, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा जी हो गई, यशोधरा राजे सिंधिया हो गई, फिर दिया कुमारी हो गई, तो क्यों लक्षराज सिंह मेवाड़ भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर विधायक या फिर कुछ और रोल में आ सकते हैं? सर देखिए ना, लोगों ने जब मेरे को दिल में जगह दे रखी है, इतनी बड़ी जगह दे रखी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, तो मैं उसमें इतना खुश हूँ, मुझे इतना आनंद आता है उस जगह तो के दिल से ईवीएम में घुसने की कोई कोशिश नहीं है। वक्त का कुछ नहीं कहा जा सकता सर, दैट्स द आंसर, वक्त का कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो सच में एक बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट आंसर था। तो आप सौम्य समझ सकते हैं कि कहां जाने की कोशिश हो सकती है। जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, जल्दी ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाने वाले हैं। चलिए, अब पब्लिक इनको अपने दिलों से ईवी में भेजने वाली है। जी जी जी, सौम्या, मैंने तो बस आपसे ये कह दिया कि आज आपसे मिलकर और ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि जितना आपके बारे में सुना था, आप उससे भी बहुत बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, और सच में जैसे लाइक आई सेड, I feel like respecting you. Thank you so much. Very kind. My other question is कि अभी OTT का ये time है, movies Bollywood तो बहुत पहले से ही है, तो कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो? सर मैं सूफी म्यूजिक को काफी पसंद करता हूँ, मुझे सूफी कलाम जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। और गुनगुनाना भी पसंद है? जी नहीं, अगर मैं करूँगा तो ये सभागार अभी खाली हो जाएगा, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहता, पर मुझे नुसरत फतेह अली खान जो हैं वो बहुत बहुत पसंद हैं, उनके कलाम जो है मुझे बहुत पसंद है, और वो एक संगीत और वो एक मौसिकी जो है वो मुझे दिल के बहुत ही करीब है। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? अच्छा शैलेश जी,
मतलब मैं खैर एक्टर तो वो है ही सर, बट उससे ज्यादा मेरे को ये इंसान और एक कवि के तौर पे मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि कवि तो इनसे जानदार शानदार कोई है नहीं। जी जी। और ऐसी क्या चीज है जो आप अभी बदलना चाहते हैं? क्या ऐसी चीज है जो आपको खटकती है और आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं इसे बदल सकता हूँ, क्या ये बदलाव अब आना चाहिए? मैम देखिए, सबसे पहली बात तो ये बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया आपने। मैंने सोचा था कि देयर गोइंग टू बी नो डिफिकल्ट क्वेश्चंस, सो आई थॉट दैट वाज आवर अंडरस्टैंडिंग, बट नहीं, बट बदलाव के तौर के ऊपर मैं सिर्फ यही कहूंगा कि लोगों को खुद के अंदर और भीतर जो है वो झांकने की आवश्यकता है। मैं कोई नहीं होता कि किसी और के ऊपर उंगली उठाकर कहूं या किसी एक सोच के ऊपर उंगली उठाकर कहूं कि इन लोगों को ये चीज बदल लेनी चाहिए। ये वक्त ऐसा है, बदलाव अगर किसी को करना है या करना चाहिए तो वो ये है कि उसको अंदर झांकने की एक आवश्यकता है। बदलता वही है जो बदलना चाहता है, और अक्सर जो है वो बदलाव अगर शुरू होगा तो भीतर से होगा और अपने आप से होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि लोगों को जो है अगर कुछ अपने बारे में चीज़ खटकती हो या नहीं अच्छी लगती हो तो वो चीज़ उन लोगों को बदलनी चाहिए। और अगर एक एक करके अगर हम लोग इस प्रकार से अगर हमारी त्रुटियों को या हमारी कुछ चीज़ों को अगर हम लोग बदल जाएंगे तो मैं ये मानता हूँ कि शहर ही नहीं, गली ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, ये दुनिया जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। आप लग्जरी को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? वक्त सर, वक्त, टाइम जी। दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर, बहुत सुंदर आंसर है ये। क्या बात, बहुत आप ही की बताई हुई मेरे को जो दो पंक्तियां थी कि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मुझे लगता है कि इसी क्योंकि वक्त की आपने बात करी और वक्त भी हो गया है। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। जोरदार तालियां लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ साहब के लिए। सब मंच पर रहें, और मैं जो महसूस कर रही थी वो भी आप तक पहुंचाना चाहती हूं। ऐसे लग रहा था कि कोई झरोखा आपने खोला है जिससे हमें एक रॉयल की जिंदगी क्या होती है उसे समझने का मौका मिल पाया, क्योंकि आम तौर पर ये खिड़कियां कॉमनर्स पर बंद होती हैं। तो अच्छा लगा आपको सुन के, और अच्छा लगा कि आप हम जैसे ही तो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं अमीर जी से, फॉर दिस सेशन बिफोर आई इनवाइट ऑन स्टेज आवर एस्टीम्ड गेस्ट, मे आई प्लीज इनवाइट ऑन स्टेज द मॉडरेटर ऑफ दिस सेशन, मिस लेखा प्रजापति। मैं चाहूंगी कि लेखा पहले मंच पर आ जाए, उसके बाद मैं अपने मेहमानों को न्योता दूंगी। सबसे पहले जिस मेहमान को मैं बुलाने जा रही हूँ उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। महाराज श्री देवत सिंह ऑफ सिरोही, he's very passionate about cricket and he credits his love for this game to his maternal grandfather, famous cricketer and statesman, His Highness Maharaja Jam Ranjit Singh Ji of Jamnagar, after whom the National Cricket Championship Ranji Trophy is named. While carrying the legacy of his family forward, he is in love with the environment. He just cherishes it. Thus, helping Rajasthan stay to the development of the eco-friendly hotels and tourism industries. Also, he's also working towards conservation.